देता हूं, लेकिन देश भर में जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसको देखते हुए ये मैसेज, ये संदेश उन सभी लोगों को पता होना ज़रूरी है जो भारतीय इतिहास और धार्मिक ग्रंथों को मानते हैं, जिनका जिन्होंने उसका अभ्यास किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश और दुनिया के तमाम साइंटिस्ट इस कोरोना वायरस की दवाई बनाने में और इसकी खोज करने में जुटे हुए हैं। मैं आपको उन तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर जी ने अपने होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। इन्होंने अपनी संहिताएं लिखी है, हजारों साल हो गए उस संहिताओं को, जिनका अभ्यास देश के कई लोगों ने किया है, और इसी के आधार पर हम लोग एक प्रेडिक्शन बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुनते हैं कि इस तरह का प्रेडिक्शन होगा, और ग्रहों के आधार पर, अमावस्या और पूर्णिमा के आधार पर स्वभाव में बदलाव और दिनों में बदलाव होता है। हमने देखा है कि इस साल 2020 जैसा शुरुआत हुई वो अति भयंकर हुई, पिछले 50 साल में भी देश में 50 साल से ज़्यादा का समय हुआ इतना महाभयंकर विषाणु देश में कभी आया नहीं, और इसका सामना ना केवल भारत को बल्कि पूरे दुनिया को करना पड़ रहा है। इसके कुछ तथ्यों का अभ्यास मैंने किया और उस अभ्यास के आधार पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन मित्रों, 2019 में 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण हम सब ने देखा, जिसका अनुभव किया, और सूर्य ग्रहण होने के बाद 26 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर को चीन में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। अभी दिसंबर पूरा चला गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीने तक संपूर्ण विश्व को इस विषाणु ने अपने गिरोह में ले लिया, और जिसकी साइंटिफिक इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद दवाई नहीं मिल रही। इसके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको याद होगा 5 फरवरी 1962 में सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा हुई थी, और उस समय सभी ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह, एक ही हाउस में आए थे, और जिससे कई सारी मौत हुई थी। अगर हम देखें तो 11 मई 2020 के बाद आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी, देखी जा रही है, और 26 दिसंबर से 21 जून तक, 21 जून इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 21 जून को पूर्ण सूर्य ग्रहण अपने हिंदुस्तान में दिखाई देगा। 26 दिसंबर से 21 जून तक का समय किसी भी राजा के लिए, किसी भी प्रधान के लिए, और किसी भी उच्च पदस्थ व्यक्ति के लिए, उसके लिए सिरदर्द देने वाला यह पूरा का काल रहने वाला है, जो जिसकी जानकारी मैंने एक ईमेल द्वारा मेरे एक मित्र को नवंबर महीने में ही दी थी, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस उस तरह की फेवरेबल नहीं दिख रही थी। प्लैनेटरी पोजीशंस को लेकर कई तरह के लोगों ने साइंस से रिसर्च किया, और कई आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक ऋषिगण
इन्होंने इसका भरपूर अभ्यास करते हुए ज्योतिष शास्त्र को एक शास्त्र का दर्जा दिया है। और हम ये देखते हैं कि असमंजस की स्थिति मार्च से लेके अप्रैल तक असमंजस, हर व्यक्ति के दिल में असमंजस होगा, कंफ्यूज होगा और ये कंफ्यूजन जारी है। मैंने अपने लेख में भी पहले लिखा था कि कुछ विचित्र परिस्थितियां आएगी और सूर्य अपनी सूर्य और चंद्रमा को हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनकी उष्णता उनकी शीतलता दोनों का अनुभव ले सकते हैं। और इसी के लिए सूर्य का किस तरह अपने जीवन पर असर पड़ सकता है इसका अंदाजा आपको सूर्य ग्रहण के बाद और सूर्य ग्रहण आने के पूर्व पता चल जाएगा, जिसका परिणाम ये देखा जा रहा है कि जून तक इस कोरोना वायरस से इस दुनिया को राहत नहीं मिलेगी और जो हवा है प्रदूषित हवा, इस हवा के जरिए ये विषाणु अपने शरीर में संक्रमण कर रहा है। तो यह भी जरूरी है कि जो नेचर है सृष्टि के विपरीत कार्य होने की वजह से शनि और शनि का दोष कई बार हमको बहुत कुछ सिखाता है। जैसे साढ़े साथी जब किसी राशि को लगती है या किसी व्यक्ति को लगती है तो व्यक्ति बोलता है कि मुझे साढ़े साथी लग गई, मेरे दिन खराब आ गए। मैं इसे उल्टा मानता हूँ। साढ़े साथी के दिनों में आदमी की परीक्षा होती है और आदमी जब 7.5 साल पूरा कर लेता है तब उसको बहुत कुछ हासिल होता है, बहुत कुछ सीख मिलती है, जो कि वो कई बार ऐसी गलतियां करता है नॉर्मल दिनों में, जो 7.5 साथी के दिनों में अगर गलती की तो उसकी शिक्षा उसको मिलती है या उसको कुछ ना कुछ परिणाम दिखते हैं जिससे वो सजग हो जाता है। तो 7.5 साथी ये लर्निंग है। 7.5 साथी का एक अगर मैं उदाहरण दूं तो 7.5 साथी ऐसी चीज है कि एक स्कूल है जिस स्कूल में शिक्षण मंत्री आ रहे हैं और वो 2 दिन रहेंगे तो स्कूल कैसा रहेगा? पिन ड्रॉप साइलेंट रहेगा, हर टीचर अपने स्कूल में रहेगा, पूरी बॉर्डर खींची रहेगी। वही शनि का है, जब शनि आपके राशि में आता है 7.5 साल तक, उस समय वो उसी शिक्षा मंत्री की तरह है और आपको उसी स्टूडेंट या उसी शिक्षक की तरह रहना है जो ओबीडियंट है, जो प्रिंसिपल का और नियमों का पालन करते हैं। इतना सहज और सरल 7.5 साथी का डेफिनेशन है। इसमें कई प्लैनेट्स का अलग अलग मोड है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह का ये विषाणु और विषाणु की वजह से जो मृत्यु हो रहे हैं वो उस तरह की पोजीशंस इसके पहले 1962 में आए थे और उसी तरह 2020 में भी अपने को इसका सामना करना पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक शास्त्र, इन शास्त्रों का अनन्य साधारण महत्व और रंगों का भी एक अलग महत्व अपने जीवन में पड़ता है। वैसे ही इस पूरे दिनों में, पिछले 4 महीने 4.5 महीने हो गए ये दुनिया इस कोरोना वायरस से लड़ रही है, जबकि जापान, चीन, US, UK, इटली, इन जैसी प्रगत वैद्यकीय सुविधा रहने वाली राष्ट्रों को भी इसका फॉर्मूला नहीं पता चल रहा है कि इस पर किस तरह की दवाई का
उपयोग हो। इसका कारण क्या है? प्लैनेट्स फेवरेबल नहीं है। जब प्लैनेट्स फेवरेबल कब रहेंगे? 21 जून के सूर्य ग्रहण के बाद प्लैनेट्स सितंबर तक फेवरेबल रहेंगे। सितंबर तक भी, जून से सितंबर 2020 तक इसका संक्रमण हल्की हल्की संख्या में जारी रहेगा। हम लोगों को प्रिकॉशन लेना है, हम लोगों को हवा से विषाणु का फैलाव होने के बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो कहा जा रहा है कि आपके दोनों हाथों को स्वच्छ रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क बांधिए और इन तरह की साइंटिफिकल चीज़ों को भी आपको अपनाएं। इस बीच अगर किसी के मन में आशंका, संशय, डाउट आता है तो हमने देखा है कि हम छोटे थे तब से हम में से किसी ने भी यह अपने माँ को या पिता को नहीं पूछा कि हमारे घर में तुलसी का पेड़ किस लिए है। तुलसी ना तो फल देती है, ना छांव देती है, ना जलाने के लिए लकड़ा देती है, फिर भी तुलसी का पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण जगह पर और घर की महिला उसे रोज दिया और अगरबत्ती और पानी जल चढ़ाती है। इसका उल्लेख भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया है। अभी फिलहाल हम मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है हवा। पहले भी हवा थी, प्रदूषित हुई थी, प्रदूषण के कारण लोगों की मृत्यु होती थी, लेकिन अब की हवा जो है ये विषाणु को लेके ट्रैवल कर रही है, प्रवास कर रही है। इसीलिए जिस व्यक्ति को इसकी बाधा हो उसको ना हो, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक रहना जरूरी है। तो अमावस्या और पूर्णिमा ये ऐसे दो फेज हर 15 दिन में आते हैं कि जिसमें कई तरह के अपने आसपास बदलाव होते हैं जिसको अपन गौर से नहीं देखते। अगर हम गौर से देखना शुरू करें तो आपको आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके समाज में, आप समुदाय में कई तरह के और आपके देश में कई तरह के बदलाव लिए जाते हैं। अभी कई मेरे मित्रों ने मुझे मैसेज करके, फोन करके ये बताया कि इसका और इसका क्या संबंध हो सकता है। मैंने उनको ये कहा कि अगर विषाणु से मृत्यु होना था तो 25 दिसंबर को क्यों नहीं हुआ, 31 दिसंबर को क्यों हुआ सूर्य ग्रहण के बाद। और भारत में सूर्य की या हवा की जो रफ्तार रही है मार्च से अप्रैल और मई के बीच में क्यों रही है? ये तो चीन के बाद डायरेक्ट भारत में आ सकता था या चीन के साथ साथ भारत में आ सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ क्योंकि प्लैनेट पोजीशंस के ऊपर हम लोगों का पूरा ये चक्र चलता है सृष्टि का। और सृष्टि के चक्र को ब्रेक करने का मानव ने जब जब प्रयत्न किया तब तब सुनामी आया, बाढ़ आई, अर्थक्वेक आया और कई लोगों की जान गई। तो सृष्टि को अपने चक्र से घूमने के लिए जब रोका जाता है तब इस तरह की विपदाएं अपने को सामने आती है, अपने को फेस करना पड़ता है। इस बीच हमको 21 जून जो तारीख मेरे अभ्यास से मैंने ये किया, कम ज्यादा इसमें हो सकता है, लेकिन सूर्य ग्रहण जब होगा 21 जून को तब कई मायने में इस विषाणु पर काबू पाया जा सकता है और कई ऐसी चीजें खुलकर सामने आएगी जिसका मुकाबला करने में हमको सहजता होगी, आसानी होगी। हाल की परिस्थिति ऐसी नहीं है। हाल की परिस्थिति अगर ऐसी होती तो कई देश जो है वैद्यकीय दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्हें आज तक दवाई निकाली होती, आज नहीं निकाल सकते,
क्योंकि प्लैनेट पोजीशन फेवरेबल नहीं है ज्योतिष शास्त्रों के दृष्टिकोण से। इसमें कई लोगों की अलग मत हो सकते हैं, लेकिन ये जब तक फेवरेबल नहीं है तब तक कोई चीज दिमाग में भी नहीं आएगी कि किसको इस तरह से हम लोग करें। कुछ नहीं बता सकते कि इसकी दवा एक छोटे से कस्बे में तैयार हो जाए, एक छोटे से डॉक्टर से तैयार हो जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे बड़े बड़े साइंटिस्ट ना कर पाए, एक छोटा सा आदमी कर पाए, ये भी हो सकता है। तो जब तक फेवरेबल स्थिति निर्माण नहीं होती तब तक इस विषाणु से अपने खुद को इंडिविजुअली लड़ना है। मास्क बांध, हाथ को धोना है और सोशल डिस्टेंस पालन करना है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि किसी में से लें।